किस दिन की बात है, कोई वक्त क्या, किस दिन का? 25/4 की बात है कि 25/4 में जो हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो उस टाइम हमें सिलेंडर तो पूरे मिले थे, मगर इन्होंने पेशेंट लिमिट से ज़्यादा ले रखे थे ऑक्सीजन के, जिसमें हमारे वो 31 वेंटिलेटर चलाने की थी, इन्होंने 10-12 वेंटिलेटर चला रखे थे, और 50 पेशेंट की ऑक्सीजन की वो 30 थी चलाने की, इन्होंने 193 पेशेंट इस टाइम पर ले रखे थे। इस वजह से हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हुई, इस वजह से ही पेशेंटों की मौत हुई। लगातार मौतें होती रही, उस तारीख से अब तक लगातार मौतें ही हुई हैं। मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो मेरे को मारा, कल मेरे को मारा 9:30-9:30 करीब बहुत, और मैं जैसे भी वहाँ से हॉस्पिटल से दूसरे गेट से निकल के मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा। अच्छा, कल मार पिटाई भी किया? हाँ, मेरे साथ मारा, मार पिटाई की और मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा, और फिर मैं सीधा जो है थाने, इस चीज़ के लिए कि तूने विरोध क्यों कर रहा है। कि मैंने कह दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा अगर आप मेरे से इस तरह से काम कराओगे, आप बिल्कुल भी, मैं ऑक्सीजन को पेशेंट पूरी दूंगा, अगर आपको कराना है तो कराओ, नहीं मेरा हिसाब करके मुझे घर भेज दो, आप किसी और को रख लो, क्योंकि मेरे बस का नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चक्कर में उन्होंने मारा कि तू कहीं कुछ नहीं बताएगा, तू यहीं काम करेगा, ये वो, इस तरह से मेरे को करते उन्होंने। उसके बाद कहीं गए? उसके बाद मैं थाना टीबी नगर पर गया, वहाँ पर तहरीर दी मैंने, एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ, फिर मैं आज एडीओ जी के पास एप्लीकेशन लगाई, और एडीजी के पास और एसएसपी जी के पास एप्लीकेशन लगाई, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरी एप्लीकेशन दर्ज हो चुकी है। ये उनका शिकायत किया उसमें यही शिकायत की है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं दे रहे थे वो, इसलिए पेशेंट मर रहे थे, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारा पीटा, मेरे को जाति सूचक शब्द से विरोध किया, चमार छोड़ा कह के मेरे को इस तरह से वो करा कि तेरे बस की क्या है, तू कुछ नहीं कर पाने का, हम जो है डॉक्टर हमें तू थोड़ी ना, इस तरह से वो मेरे से बदतमीजी से हो गया। ये उनका हुआ जो, तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इनका लाइसेंस रद्द दो, हॉस्पिटल में जो ये पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं। जो सोशल मीडिया में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने को केएमसी का ऑक्सीजन प्लांट का मतलब वहाँ काम करते हैं ऐसा बताया जा रहा है, और उनके द्वारा ये बताया गया है कि प्रेशर जितनी आवश्यक है उसके हिसाब से नहीं चला के कुछ मरीजों का मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में इसको प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है, इसको इंक्वायर करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशासन और एक एडिशनल सीएमओ रैंक के ऑफिसर को हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। यह हॉस्पिटल्स की रिकॉर्ड्स देखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अन्य जो भी इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है वो सारे कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही अपना रिपोर्ट देंगे, और यदि इसमें और किसी भी लापरवाही पाई जाती है तो उसके अनुसार ज़रूर कार्रवाई होगी। सर, वहीं पर अगर बात करें तो केएमसी को कितने कोविड बेड की अनुमति मिली हुई थी? ये सारे विषय हैं, कितने बेड्स की अनुमति मिली हुई थी, किस समय कितने बेड्स की अनुमति थी, वो समय सीमा क्या रहा, और किस समय वहाँ कितने बेड्स, कितने मरीज वहाँ भर्ती थे, किस में भर्ती थे, आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, सादा ऑक्सीजन बेड्स में थे या बिना ऑक्सीजन के बेड्स में थे, ये सारी चीज़ें जाँच कमेटी अपने जाँच करते वक्त सारा रिकॉर्ड्स को देखेगी, उसके अनुसार अपना काम अपना रिपोर्ट देगी। वहीं पर जब एक बार मेरठ प्रशासन इसकी जांच करने के लिए पहुंचा था तो उसके बाउंसरों ने गेट नहीं खोला था, बदतमीजी की थी, क्या प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई की? नहीं, विभिन्न समय में हमारा टीम्स लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचती है, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर उसको भी हमने संज्ञान में लेते हैं, उसके अनुसार भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक इलाहाबाद से एक बैच बनाई गई थी, जो भी लापरवाही होगी उसमें जज लेवल का, एक पुलिस लेवल का, प्रशासन लेवल का अधिकारी रहेगा, उसका तो भी समिति बनाई हुई है, उसमें जुडिशरी का भी और प्रशासन का भी और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर्स है उसमें
शामिल है और उनसे कैसे अप्रोच किया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग कंटिन्यूसली प्रेस नोट के माध्यम से भी बताते आ रहे हैं। वो अपनी व्यवस्था है, वो बरकरार है।